हेलो स्टूडेंट, हाय। टॉपिक है जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग जीन्स। जेनेटिक्स की हम कहाँ स्टडी नहीं करते हैं, हम एनिमल में स्टडी करते हैं, हम प्लांट में स्टडी करते हैं। अगर हमने आज हमने हमारे पास जेनेटिक्स के की स्टडी नहीं होती तो आज हम ना प्लांट का हम स्टडी किया होता, ना हमने एनिमल में स्टडी किया होता, और ना जाने कितनी जो डिजीजेज हैं जो एनिमल्स और प्लांट के साथ लिंक्ड हैं वो हम स्टडी नहीं किया होता। ह्यूमन की बात कर लें तो उसमें कितनी सारी जीन के साथ रिलेशन है। इवन ह्यूमन को भी रिसर्च करना हो तो जेनेटिक्स बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बड़ी सारी डिजीजेज हैं ह्यूमन्स में जो जेनेटिक्स से लिंक करती हैं, उसकी नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी हम दोनों स्टडी करते हैं, फिर उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। और जेनेटिक्स आज भी इवॉल्विंग है, उस पर आज भी रिसर्च होती जा रही है। मेरा नाम डॉक्टर संदीप चिब और मैं आपके बायो का टीचर। तो रही बात जेनेटिक्स आखिर होता क्या है, जेनेटिक्स होता क्या है। जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस और बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। हेरिडिटी और वेरिएशंस की हम स्टडी जेनेटिक्स में करते हैं। तो सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में हम इसको स्टडी ऑफ जीन्स भी कह देते हैं। तो हेरिडिटी का जो है वो क्या है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, उसकी हम स्टडी करते हैं और उसको हम हेरिडिटी कहा जाता है। ये जो ट्रैक्टर का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो चेंजेस आती हैं, जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, इज नोन एज हेरिडिटी। नेक्स्ट इज द वेरिएशंस। आखिर वेरिएशन क्या होता है? प्लांट्स अगर ह्यूमन की बात करें तो जो पेरेंट्स होंगे, या एनिमल्स की बात कर लेते हैं या प्लांट्स की बात करते हैं, अगर पेरेंट्स होंगे तो उसमें क्या होगा, जो उसके ऑफस्प्रिंग्स या उसकी जो आगे की जनरेशन होगी उसमें चेंजेस आएंगी, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। और हालांकि जो ट्विन्स होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, उसमें थोड़ा वेरिएशन नहीं होता है, बट ऑलमोस्ट वेरिएशन आता है, बट विद इन द स्पीशीज में। ऐसा नहीं आप कहोगे कि कैट में और ह्यूमन में बहुत सारा वेरिएशन है, ऐसा नहीं है, बट विद इन द स्पीशीज में थोड़ा वेरिएशन होता है। तो ये एक जेनेटिक्स का मूल रूप था, बेसिक था बेसिकली, और इसके ऊपर मेंडल ने काफी स्टडी किया जेनेटिक्स के ऊपर। और मेंडल ने उस समय स्टडी किया था जब डार्विन का बोलबाला था, डार्विन की जो थ्योरी को माना जा रहा था उस समय मेंडल इसके ऊपर काम कर रहा था। हालांकि हम मेंडल की जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम उसके ऊपर आगे विषय में पढ़ेंगे कि मेंडल ने क्या क्या किया। मेंडल ने पी के प्लांट के ऊपर स्टडी किया, 7 करेक्टर के ऊपर वर्क किया, और क्या करेक्टर थे हम आगे पढ़ेंगे, बताएंगे आपको। तो सिंपल आप लिखिए, आज तो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, और W. मेडिसन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल के बाद अगर किसी ने जेनेटिक्स के ऊपर काम किया तो मेडिसन ने बहुत ज्यादा काम किया। तो फिर आगे चलते हैं, आज हम जो मेन टॉपिक कहते हैं ना, मेन टॉपिक्स, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो मेन कोर्स से पहले आपको स्टार्टर चाहिए होते हैं। तो स्टार्टर आज स्टार्टर ही है बेसिकली। आज आपको इंट्रोडक्टरी पढ़ाया जा रहा है, जो बेसिक टर्म्स है वो पढ़ाए जा रहे हैं, और स्टार्टर के बाद हम मेन कोर्स पे आएंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। ये कुछ आपके साथ ये टॉपिक है, सॉरी ये टर्म्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान पहला है फैक्टर, दूसरा है करैक्टर, तीसरा है जीन, अलील, जीनोटाइप, फिनोटाइप, आखिर होता क्या है थोड़ा थोड़ा। फिर आगे जब लेक्चर्स में जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा हम उसको पूरा फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताएंगे। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर बेसिकली जब मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर, पाइसन सैटिवम के ऊपर जब काम किया, 7 करैक्टर के ऊपर काम किया, तो करैक्टर उन्होंने, उनको नहीं पता था कि जीन है या क्या है, तो उन्होंने, क्योंकि वो मैथमेटिक्स को बड़ा जानते थे, इसलिए उन्होंने फैक्टर को भी, फैक्टर को ही चुना, फैक्टर वर्ड ही इंट्रोड्यूस किया, तो फैक्टर को उन्होंने ही बात कही। दूसरी बात, करैक्टर, आखिर करैक्टर क्या है?
करेक्टर मान के चलो कि जो ट्रांसफर होता है, हालांकि मैंने हेरिडिटी में आपको डेफिनेशन बताई कि ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग्स और फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स। करेक्टर मान के चलो कि एक करेक्टर हाइट का, वन करेक्टर इज हाइट, ये करेक्टर है। अब उस करेक्टर के दो ट्रेट है, एक है आपका टॉल हाइट और एक है ड्वार्फ हाइट। तो करेक्टर जो होगा वो हाइट करेक्टर पे होगा, और जो उसके जो आगे ट्रेट या वैरायटी होगी वो उस करेक्टर की ट्रेट या वैरायटी हम कह सकते हैं। वो टॉल भी हो सकती है, ड्वार्फ भी हो सकती है। मान लो हाइट के अलावा हम अगर आई कलर ले लेते हैं, ब्राउन हो गया या ब्लैक हो गया, ये जो आई कलर है वो करेक्टर है और जो ब्राउन और ब्लैक है वो ट्रेट है। एक सिंपल भाषा में आगे के मैं जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तब हम ज्यादा बताएंगे आपको। जीन क्या होता है? जीन जो होता है कि सपोज करो एक क्रोमोसोम पेरेंट्स फादर से आया है, दूसरा क्रोमोसोम मदर से आया है, तो जो एक जीन और दूसरा जीन वो एक ही पोजीशन पे होंगे, सेम लोकस पे होंगे, तो उसको हम जीन कहा जाता है। अब जीन का भी दो फॉर्म्स होती हैं। सपोज कर मैं आपको एक जीन बता देता हूँ, आपको ये है ऐसे ऐसे, मान के चलो यहाँ पे एक एक है जीन, ये वाला जीन हो गया, ये फादर से आया है, ये मदर से आया है, ठीक है, और इसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो एक इसको हम एलील बोलेंगे, इसको हम एलील बोलेंगे, ठीक है, इसको हम एलील बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, और पूरे को हम जीन बोलेंगे। जैसे करेक्टर था ना, करेक्टर से ट्रेड होते थे, उसी तरह से जीन के एलील होते हैं। तो एलील जीन तो समझा गए कि जीन एक बेसिक होता है। अब जीन बेसिकली थोड़ा सा आपको एलील से पहले जीन बता देता हूँ। बेसिकली क्रोमोसोम में यहाँ पे डीएनए होता है और ये एक जीन होता है, यहाँ पे मान के चलो पार्ट ऑफ जो सेगमेंट है, एक सेगमेंट, उसको जीन कहा जाता है। अगर जीन प्रोटीन बनाएगा, एंजाइम्स बनेंगे, वो एक अलग बात है, ठीक है, ये जीन हो गया। फिर आगे मैंने बताया कि यहाँ पे जीन, जहाँ पे जीन, फिर वो ट्रेड बन जाएंगे, दो ट्रेड हो जाएंगे, तो दो अलील हो जाएंगे, तो जीन टोटल हो गया, अलील उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होंगी। मान के जो ये जीन हो गया और ये अलील हो गया, ये दो फॉर्म्स होगी। उसी तरह से करैक्टर हो गया, करैक्टर का ट्रेड एक हो गया, करैक्टर का एक ट्रेड ये हो गया, ये दोनों वैरायटीज आ जाती हैं। जो वैरायटीज होती हैं वो अलील होती हैं, करैक्टर में भी जो वैरायटीज है वो ट्रेट होती है। तो मेन जो हेडिंग होती है वो करैक्टर, और इधर से मेन जो हेडिंग है वो जीन है, आगे अलील है, या अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे है जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है कि जो जेनेटिक मेकअप होता है, जो क्रोमोसोम के अंदर, डीएनए के अंदर जो मेकअप जो पूरा कंसीडर करता है, सपोज करो कि किस जीन कैसे होगी, आई कैसे, आई कलर कैसे होगा, हाइट क्या होगी, वगैरह वगैरह, तो वो जेनेटिक मेकअप ही डिसाइड करेगा, उसको हम जीनोटाइप कहा जाता है। और फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो विजिबल होती है, जो चीज दिखती है हमें, दिखता है तो बिकता है, जो चीज हमें दिखती है उसको फिनोटाइप कहा जाता है, और जीनोटाइप का ही रोल होता है, वो फिनोटाइप में उसको बनाता है, ठीक है। फिनोटाइप चेंज हो सकता है बट जीनोटाइप चेंज नहीं होता है। फिनोटाइप में चेंजेस इसलिए आती हैं क्योंकि एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट का रिलेशन है फिनोटाइप के साथ। क्योंकि अगर सपोज करो मैं एक, मेरा कलर काला है, तो मैं किसी अमेरिका सिटी या किसी ऐसी ठंडी जगह में जाऊंगा तो वहां पे मेरा जो कलर्स हैं या कुछ चेंजेस आ सकती हैं, या मेरा गोरा कलर है तो मैं साउथ वाली साइड जाऊंगा तो मेरे कलर्स में चेंजेस आ सकती हैं। तो फिनोटाइप जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो चेंज हो सकती है, बट जो जीनोटाइप है वो चेंज नहीं हो सकती है। ये आज एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, कुछ टर्म्स जो मैंने इसमें ली हैं वो आपको, ताकि बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। नेक्स्ट में हम पूरा जेनेटिक का स्टार्ट करेंगे, पी प्लांट के साथ स्टार्ट करेंगे, मेंडल के साथ स्टार्ट करेंगे, आखिर मेंडल को क्या क्या दिक्कतें आई, मेंडल इतना सक्सेस क्यों नहीं हो पाया, मेंडल ने जब स्टडी किया था मेंडल के एक्सपेरिमेंट को क्यों नहीं माना गया, और मेंडल के एक्सपेरिमेंट को बाद में
रीडिस्कवर किया गया। तो ये बड़ी सारी चीजें जो अगले लेक्चर में आने वाली हैं। तो प्लीज अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ में अगर कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप मैसेज मेरा नंबर मेरा होता है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेरी हो तो बता सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ एंड ऑल द बेस्ट।